एक तरफ मंडियों में गेहूं की आवक तेज हो गई है, दूसरी ओर मंडियों में फसल नहीं खरीदे जाने से किसान भी परेशान हैं। ऐसे में प्रशासन के साथ सरकार की भी मुश्किलें बढ़ रही हैं। दरअसल फसल का पैसा सीधा किसानों के खातों में जाने से नाराज आढ़ती हड़ताल पर हैं, जिसका खामियाजा किसान भुगत रहे हैं। किसान आढ़तियों की हड़ताल से परेशान है। मंडी में गेहूँ आ तो रही है, लेकिन उसकी तोल और भराई नहीं की जा रही। मंडियों में ये हालात हो गए हैं कि गेहूं रखने की जगह नहीं बची है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि किसान अपनी फसल को लेकर जाए कहां? एक ओर जहां किसान आढ़तियों की हड़ताल से परेशान हैं, वहीं आढ़तियों का कहना है कि सरकार ने हमसे समय मांगा था और वो समय अब पूरा हो गया है, लेकिन सरकार की तरफ से अब तक कोई भी जवाब नहीं आया। आढ़तियों का ये भी कहना है कि जो किसान सीधा खाते में पैसा चाहते हैं, उन्हें खाते में पैसा दे दिया जाए, लेकिन जो किसान आढ़ती के जरिए अपना भुगतान चाहते हैं, उनकी सरकार को सुननी चाहिए और आढ़तियों के जरिए ही उनकी फसल की पेमेंट अदा करनी चाहिए। बता दें कि किसानों को गेहूं की पेमेंट सीधा बैंक खातों में देने के विरोध में 12 जिलों के आढ़ती अनिश्चितकालीन हड़ताल पे चले गए, जिन्हें मजदूर संघ ने भी समर्थन दिया है। इस बीच एक और जहां सरकार ने सभी डीसी के साथ बैठक करके आढ़तियों को भुगतान करने का फैसला लिया था, वहीं आढ़तियों की नाराजगी और फसल को लोड नहीं करने से कहीं न कहीं इन सब में किसानों को ही नुकसान हो रहा है।